चौधरी महेंद्र आ रहे जी हैं सडोला और सरपंच भी रहे हैं 40 साल से INLD से जुड़े हैं, उनका भी कांग्रेस परिवार में हम सडोला के DGP के इस वक्त के प्रधान हैं, वो कांग्रेस पार्टी में आज उन्होंने ज्वाइन करी है, हम उनका स्वागत करते हैं। अरे तो एक बार कर दो ना भाई, आप फ्रेम खराब हो जाएगा, बने लोग देखो बार कांग्रेस विधायक दल के नेता नेता प्रतिपक्ष परम आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे विधायक दल के उप नेता आदरणीय भाई आफताब अहमद जी, हमारे पूर्व स्पीकर पंडित कुलदीप शर्मा जी, पूर्व स्पीकर अशोक राणा जी, हमारे राव दान सिंह जी विधायक, हमारे पीछे बैठे हैं अनिल राणा जी, संत कुमार XML जी, हमारे भीमसेन मेहता जी, सुल्तान जैडोला जी, मेवा सिंह जी विधायक, और आज हमारी पार्टी में शामिल हुई, हालांकि पुरानी कांग्रेस नेता थी, ये बीच में भटक गई क्योंकि 3 बार कांग्रेस के टिकट पर विधायक बने, महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रही थी और पिछली बार ये JJP में शामिल हो गई थी और इनका बेटा सम्राट इन्होंने JJP की टिकट पर चुनाव लड़ा था। अब ये दोबारा हमारी पार्टी में शामिल हुए हैं, मैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से इनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये पूरी तरह से कांग्रेस की नीतियों से पूरी तरह से अवगत हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरी तरह से जैसे पहले निष्ठा के साथ उन्होंने काम किया उसी तरह से काम करेंगे। और आज बड़ी प्रसन्न सिंह गोमथला, सर्वजीत सिंह गोमथला, हरप्रीत सिंह, बबलू भटनागर, विनोद कम्बोज, पारस पोपली, ये BJP से है पारस पोपली, और ये बाकी INLD और JJP से, ये हल्का रादौर और सढ़ौरा से हमारे जो वरिष्ठ जो साथी और जो पदाधिकारी हैं उनके, उन्होंने आज हमारी पार्टी में शामिल हुए, मैं इनका भी हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। और साथियों, आज हमारे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभी विधायक, पूर्व विधायक, सभी डेलीगेट्स, हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन और जो प्रकोष्ठों के थे उनके सभी प्रमुख, और जो प्रमुख जो पार्टी के प्रदेश के नेता थे उन सब की आज मीटिंग प्रदेश कार्यालय में हुई, और वहाँ पर जो आने वाला जो चुनाव है भाजपा किसको मैदान में उतारते, ये उनका सब्जेक्ट है,
हमें से कोई फर्क नहीं पड़ता सामने कुलदीप बिश्नोई है या भव्य बिश्नोई है या कोई तीसरा और चौथा है, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि कोई ज़रूरी नहीं है कि कुलदीप या भव्य हो, कोई तीसरा भी हो सकता है। तो अभी तो पक्का नहीं है उनका भी, जब उनका भी नाम तय हो जाएगा तो ठीक है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई अंतर नहीं है, कोई सा भी आए, सीधा कांग्रेस का और भाजपा का वहाँ पर मुकाबला है और किसी का कोई सौदा नहीं। उम्मीदवार का डिस्कशन कोई सारी कोई मीटिंग में थोड़ी होते हैं, उम्मीदवार का तो डिस्कशन आपको पता है प्रक्रिया जो चलती है, जो हाँ जो कोई कमेटी नहीं बनी। सबसे पहले तो मैं अनीता जी का और जो साथी आए हैं सडौरा से और यहाँ से अपना रादौर से, इन सबका स्वागत करता हूँ। ये ठीक समय फैसला लिया और इस प्रकार से हर जगह से पार्टी में बढ़ रहे हैं, कांग्रेस का कुनबा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और ये दर्शाता है कि लोगों का रुख अब कांग्रेस की ओर है। कांग्रेस की सरकार आने वाली है और ये मौजूदा सरकार जाने वाली है, ये इंडिकेशन है। मेरा राजनीतिक तजर्बा ये है, ऐसा ही होता है चुनाव से साल दो साल पहले इसका। और सभी का स्वागत है, जो आज की मीटिंग की चर्चा की आपने वो बहुत ही लोगों में जो हमारे साथी हैं, जो मुख्य साथी कांग्रेस पार्टी के थे, उनमें बड़ा भारी जोश है और बिल्कुल ऐसा लगता है कि कांग्रेस मजबूती से आदमपुर का चुनाव लड़कर जीतेगी और सारे साथी उसमें तन मन धन से वहाँ पूरा प्रयास करेंगे। सबके सबने अपने अपनी ड्यूटियाँ संभाल दी गई हैं उनको और वो अपना करेंगे। जहाँ तक उम्मीदवार का सवाल, साथियों का वरिष्ठ साथियों का भी जोन बांटे हैं हमने ताकि इस उस जोन के रहें और जिन साथियों की ड्यूटी गाँव में लगाई हैं वो वहीं रहेंगे और मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। इसमें कोई दोहरानी जो रुझान आ रहे हैं आदमपुर से उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी वो चुनाव हमारा उम्मीदवार जीतेगा वहां से और अच्छी वोटों से जीतेगा, क्योंकि हर वर्ग से हमारे को सहयोग मिल रहा है, आवाज़ आ रही है, किसान से भी, मजदूर से भी, व्यापारी से भी, कर्मचारी से भी, हर वर्ग से, बैकवर्ड क्लासेस से भी बहुत सारे साथी मिले हमारे, जो बैकवर्ड क्लास के प्रमुख रहता है वहाँ के वो मिले हमारे को और वो ये कह रहे हैं आपके कि हम हमारा रुझान कांग्रेस की ओर है और हम कांग्रेस को ही कामयाब करेंगे, क्योंकि हर वर्ग परेशान है। अभी देखिए ना आप, सारी मंडियाँ अनाज से भरी हैं, ना लिफ्टिंग हो रही, ना किसान को पेमेंट हो रही। और मैं पहले जैसे बताया 5 लाख के करीब पेंशन काट चुके हैं ये, जो 1/4/2021 को जो 33,67,571 लोगों को पेंशन थी 1/4/2021 को, और वो 21/3/2022 को 31/3/2022 को 28,15,561। तो अब देखो ना 4,92,010 जो है पेंशन काट चुके, लोगों को बहुत परेशानी है। इसी प्रकार से चाहे वो विकलांग हो, मतलब स्कूल के बच्चों का जो पेंशन थी वो भी नहीं मिल रही विकलांग बच्चों को। तो इस प्रकार से ये सरकार जो मौजूदा सरकार है वो बिल्कुल लोग इसको इससे विमुख हो चुके हैं और सारी उम्मीदें ना उम्मीद में बदल चुकी हैं। सिर्फ एक कांग्रेस की तरफ ऑल्टरनेटिव कांग्रेस को ही देख रहे हैं और सारे साथियों ने आज पूरे जोर शोर से मदद करी। और जो आप कह रहे थे एक साथी की, वो तो जैसे बताया अरुण साहब ने सबको मालूम है, वो तो पहले बीजेपी की मदद कर रहे थे, वो तो अच्छा है ज्वाइन कर गए, नहीं तो उदय भान जी शायद एक्सपेल कर देते उनको, अपना बचाव है उनका, कोई बात नहीं। और बोलो नहीं, कोई इतराज नहीं है मेरे को, इसमें क्या है,
भाई कांग्रेस को मजबूती करेंगे ना, जा करेंगे, कांग्रेस का ही कार्यक्रम कर रहे हैं, कोई बीजेपी का तो कोई कार्यक्रम नहीं कर रहा है, या इंदिरा का तो कार्यक्रम नहीं कर रहा है। नहीं नहीं, किसी किसी विधायक ने नहीं कहा, या आप अपनी कहानी मेरे को दिखाओ, किसी ऑन रिकॉर्ड दिखाओ मेरे को किसने कहा है। उनका अपना विचार होगा, लेकिन ये जो नाम था, जो कार्यक्रम था, विधायक दल की मीटिंग में फैसला हुआ था। विपक्ष आपके समक्ष, हम विपक्ष में हैं, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्ष है। हाँ बिल्कुल, ये सारी बातें तो आपको बताने की मैं समझता हूँ जरूरत नहीं हमारे को, लेकिन उन्होंने कोई इच्छा जाहिर नहीं करी है। दस जिलों में किया उन्होंने पंचायत चुनाव, और वो जो है बाकी दस में करेंगे। अभी मैंने पहले कहा था भाई, जिला परिषद के अगर डायरेक्ट चुनाव करते हैं तो पार्टी सिंबल पर लड़ेगी, मानी तो पंचायत के चुनाव नहीं लड़ेगी, जिला परिषद के बारे में पार्टी विचार करेगी। लेकिन सर बीजेपी ने ये फैसला किया है कि जिला परिषद का चुनाव बीजेपी भी डायरेक्ट सिंबल पर नहीं लड़ेगी, अगर उनकी जिले की इकाई चाहेगी तो सिंबल पर लड़ेगी। आप इस नहीं डायरेक्ट तो कर भाई मैं तो पहले से ऐतराज किया था, ये कॉरपोरेशन का जो मेयर का इन्होंने डायरेक्ट इलेक्शन करवाया है, तो जिला परिषद के चेयरमैन का क्यों नहीं डायरेक्ट करवा रहे भाई, पता लग जाएगा, उसमें हम सिंबल पर लड़ेंगे आए मैदान में। अब नहीं हो रहे, नहीं नहीं, अब जिला परिषद के बारे में विचार करें, हम पंचायत कोई चुनाव पर लड़ें, पंचायत अब तो हाँ वो हम विचार करेंगे। जिस बात का कोई मायना नहीं है उसका क्या जवाब देना। नहीं चुनाव आ गया ना अब, तब तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है।